हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का सेशन 25 जून 2020 का। ठीक है, डेली सुबह 7 बजे मैं आपको लाइव ये सॉरी प्रीमियर होता है जिसमें मैं आपको करंट अफेयर बताता हूँ। और करंट अफेयर में सिर्फ हमें तीन बातें जाननी है, कब हुआ, क्या हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, कैसे और क्यों यूपीएससी का क्वेश्चन है, कब क्यों कहाँ आपका एसएससी बैंक रेलवे का क्वेश्चन है, तो इस चीज को आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो एक दो तीन बार पढ़ा करिए, दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। पहला है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैटिक वाला क्वेश्चन है। बॉर्डर, मैंने स्टैटिक और करंट को मिक्स करके इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुई थी, इसका फाउंडेशन डे क्या है। तो 7 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी। ठीक है, जो आज अभी हम लोग देख रहे थे इंडिया चाइना में विवाद चल रहा था, तो वो बीआरओ ने जो रोड्स बनाई उसी के लिए हुआ था। खैर उतना हमें डीप में नहीं जाना, आप बस इतना याद रखिएगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे की स्थापना दिवस, इसका स्थापना दिवस है 7 मई 1960। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि बॉर्डर एरियाज में जो रोड होती है उनको बनाने का काम किसका है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। तो चाइना और हमारा बांग्लादेश और नेपाल और उधर पाकिस्तान, जितने भी बॉर्डर कंट्रीज है वहां पर हम लोग रोड बनाने का काम करते हैं। तो ये काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, और मोस्टली इसमें मिलिट्री इंजीनियर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस क्या है, 7 मई 1960। तो किसी भी चीज को दो तीन बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, और रिविजन करते रहिए। देखिए रिविजन की बहुत ताकत होती है, इस चीज को समझिए, प्रॉपर रिविजन करते रहिए, हो जाएगा। प्रेसिडेंट हलीमा याकूब्स कहाँ के हैं, प्रेसिडेंट सिंगापुर के। देखिए एक और चीज समझिए, अभी आप कहोगे सर ये आपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ाया, करंट में क्यों है, क्योंकि अभी इंडिया चाइना और इन सब का प्रॉब्लम चल रहा था तो इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है। और एग्जामिनर की ये खासियत होती है कि वो कभी भी वो नहीं पूछता कि क्या हुआ। जैसे मान लो कभी तुमसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई किस वैली में है, पूछ सकता है गलवान वैली में है। ठीक है, लेकिन उसमें जो अंदर का जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड्स बना रही है वहां पर, उससे दिक्कत हो रही है चाइना को। ठीक है, और जिससे वो एरिया जो है जिसको वो कब्जाना चाहते हैं चाइना वाले, वो एक अलग इशू है, बट आप लोग इतना याद रखिएगा। जैसे एग्जामिनर किस तरह से सोचता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, वैसे मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है, हलीमा याकूब। अभी एक्चुअली सिंगापुर में इलेक्शन चल रही थी, तो इलेक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज आई थी, लेकिन हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं कि इलेक्शन में क्या हुआ, क्योंकि हमें दूसरी कंट्री के इलेक्शन से क्या लेना देना। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है, सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। ठीक है, तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, हलीमा याकूब। ठीक है, इसका करेंसी और कैपिटल जरा मुझे लिख के बताना कमेंट में। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे बताया था कि कभी कभार पैराग्राफ भी पढ़ेंगे, और जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, सिंगल लाइन होंगे, पैराग्राफ होंगे, एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे, किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। जैसे कि ये क्या कह रहा है, ऑन द लाइंस ऑफ द अनाउंसमेंट मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019 रिगार्डिंग द जल जीवन मिशन। कहने का मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन को लागू किया था। अब आज ये न्यूज में आया है क्योंकि ये तेलंगाना में लागू हो रहा है, छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है, लेकिन आपसे एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा कि कहां पर लागू हो रहा है कहां पर नहीं। ठीक है, जल जीवन मिशन है क्या, जल जीवन मिशन है विच एम्स टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। मतलब कि हर 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में नल की जो व्यवस्था है, चलने वाले नल की व्यवस्था पहुंच जाए 2024 तक। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, जल जीवन मिशन का एंडिंग डेट क्या है, मतलब कि जल जीवन मिशन को कब तक अचीव करा जाएगा, तो 2024 तक। ठीक है, जल जीवन मिशन का जो एम है वो क्या है कि फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन FHTC, मतलब 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में ये हमारा जो नल का कनेक्शन है ये पहुंच जाए 2024 तक। तो ये जल जीवन मिशन का एम है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताना जल जीवन मिशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कमेंट में बताना, थोड़ा मेहनत आप भी करिए। नेक्स्ट पैराग्राफ के फॉर्मेट में है, ऑन June 22, 2020 कर्नाटक बैंक लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट KBL माइक्रो मित्रा फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, कर्नाटक बैंक ने एक प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट का नाम है KBL माइक्रो मित्रा फॉर MSMEs। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कर्नाटक बैंक ने अभी हाल में ही MSME के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, KBL माइक्रो मित्रा।
और इसमें इनको 10 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल मदद मिलेगी, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा सकता है कि केबीएल माइक्रो मित्रा कर्नाटक बैंक ने जो एमएसएमई के लिए लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, केबीएल माइक्रो मित्रा, और इसमें कितने तक की मदद मिलेगी, 10 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। तो पैराग्राफ से क्वेश्चन बना बना के पढ़ा करो, अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी मूडी ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन करी है, तो मूडी अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि मूडी ने कितनी ग्रोथ प्रोजेक्शन करी है, ठीक है, बैंक एग्जाम में पूछ सकता है, एसएससी में तो नहीं पूछेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है मूडी का, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में, मूडीज का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी कोच एंड फॉर्मर इंडियन शूटर पूर्णिमा जनाने वो 42 kg मतलब स्वर सुधार गए, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पूर्णिमा जनाने किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा जनाने जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पूर्णिमा जनाने आपके ये इंडियन ये शूटिंग खेल से संबंधित है, शी इज रिलेटेड टू शूटिंग। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब होता है, 23 जून को, मैं कल बता चुका हूँ, 2-3 बार पढ़ लीजिए, 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे होता है और इसी दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी 1984 को। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, 23 जून, डे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 2-3 बार बोलिए अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी, तो वो 23 जून 1984, ये आप लोग पढ़ लेना, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको मन करे तो पढ़ लेना। चलिए, इंटरनेशनल विंडोज डे ये कब मनाया जाता है, ये भी 23 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल विंडोज डे मनाया जाता है 23 जून को, ठीक है। तो बहुत सारे डे बता चुका हूँ, रेफ्यूजी डे बता चुका हूँ, नेशनल रीडिंग डे बता चुका हूँ, रेफ्यूजी डे 20 जून को, नेशनल रीडिंग डे 19 जून को, बहुत सारे डेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोग्राफिक डे आपका 21 जून को, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे डेली सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून, ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए, अब कुछ एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी ले लेते हैं। दुनिया की सबसे पहली योगा यूनिवर्सिटी जो इंडिया के बाहर खुली है, तो वो कहाँ पे खुली है, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, आंसर याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया की जो सबसे पहली योगा यूनिवर्सिटी है जो इंडिया के बाहर खुली है वो कहाँ पे खुली है, यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया हैज प्लस हाउ मच अमाउंट टू UNRWA, तो इसका आंसर होगा $15 million। पहले समझ लीजिए UNRWA क्या है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी। जो भी रेफ्यूजी लोग हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सीरिया में, मिडिल ईस्ट में कितनी लड़ाई चलती रहती है और वहां पर जो टेररिस्ट लोग हैं वो कितने मासूम लोगों को मारते हैं, तो उन लोगों को बचाए, रेफ्यूजी लोग भाई कहीं से तो उनको निकाल दोगे तो उनका खाना पीना ध्यान कौन रखेगा, तो उनका ध्यान रखने के लिए एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, जो रेफ्यूजीज को मदद पहुंचाती है, ठीक है। तो इंडिया ने $15 million की उनको 2 साल तक मदद देने का वादा किया, ठीक है। चलिए, और ये किसके लिए है, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए सेंटर ने कितना अमाउंट दिया है, तो 15,000 करोड़, तो आंसर मैंने बता दिया 15,000 करोड़। सेंटर ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 करोड़ दिया, ठीक है। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, बी कीपिंग और गाय से दूध निकालना और उनसे प्रोडक्ट बनाना, एनिमल हस्बेंड्री आप सब लोग जानते हैं कि एनिमल से रिलेटेड जो भी ट्रेड होता है, एनिमल से रिलेटेड जो भी एनिमल से हम लोग डिराइव करके प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितने फंड की जरूरत पड़ी सेंटर से, 15,000 करोड़ की। What is the name of the program launched by Ministry of Electronics and IT in collaboration with Intel India? ठीक है, Intel India के साथ Ministry of Electronics and IT ने collaboration किया है, Intel India ने, Ministry of Electronics and IT ने, तो वो क्या हो गया, उसका नाम क्या है, Responsible AI for Youth, ठीक है। तो याद रखना, What is the name of the program launched by Ministry of Electronics and IT in collaboration with Intel India? तो इंटेल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जिसने जिन्होंने कोलैबोरेट किया, इसके प्रोग्राम का नाम क्या है, इस प्रोग्राम का नाम है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यू, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारे एमसीक्यूज और पैराग्राफ वाले समझ में आए होंगे, और मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ करंट अफेयर पढ़ना है एसएससी बैंक रेलवे के लिए, कब कहाँ और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको 2-3 बार पढ़ा करिए, पहले तो याद हो जाएगा,
पैराग्राफ से क्वेश्चन बना बना के सीखा करिए और उसी को 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, अगर ये आपको आ जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और मैं वोकैब के भी वीडियोस डाल रहा हूँ। आपकी एसएससी से और बैंक रेलवे की तैयारी इस चैनल पर सबसे बढ़िया होने वाली है, एकदम अपडेटेड कंटेंट मिलेगा आपको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।